Hello children, welcome to ASA Education. Today we will do Princess September from It So Happened book, Grade 8, CBSE. Now, apna first part ke liye thoda sa outline jaan le chapter ke baare mein. Princess September, like each one of her numerous sisters, received a gift of parrot in the golden cage on her father's birthday. Princess September jo thi, usko bhi jaise aur uski baaki sisters thi, उसी की तरह उसे भी एक गिफ्ट मिला जिसमें उसे एक पैरट मिला गोल्डन केज के अंदर और वो उसे कब मिला था जिस दिन उनके फादर की बर्थडे थी। The parrot dies and by chance a singing bird comes in its place। वो जो पैरट था वो तो मर गया पर उसकी जगह एक गाना गाने वाली बर्ड आ गई उसकी पैलेस में। The princess shows off her pet to the sisters who advise her to put it in a cage। अब जब प्रिंसेस ने अपनी उस पेट को सिस्टर्स को दिखाया तो उन्होंने उसको बोला कि इसको जो है तुम पिंजड़े में डाल दो। अब अपना चैप्टर शुरू करते हैं। द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड मेनी डॉटर्स एंड द क्वीन सेड दैट इट कंफ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेम्बर सो मेनी नेम्स। जो किंग और क्वीन थे सियाम के उनकी बहुत सारी बेटियां थी और क्वीन हमेशा ये कहती कि क्वीन कहती मुझे बड़ा मुश्किल होता है इतने सारे नेम्स को रिमेम्बर करना। One day the king decided to call them January, February, March and till he came to the youngest whom he called September. फिर उन्होंने सोचा राजा ने क्यों ना हम इनको नाम दे दें जनवरी फरवरी महीनों के नाम दे दें और फिर जब नाम आया फाइनली सबसे छोटी वाली का तो उन्होंने उसको नाम दिया September. The king of Siam had a particular habit. अब जो king थे Siam की उनकी एक habit थी। Instead of receiving gifts on his birthday, he gave them. बजाय बर्थडे पे गिफ्ट लेने के वो गिफ्ट देना ज्यादा पसंद करते थे। One year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage. एक साल उन्होंने क्या सोचा अपनी बर्थडे पे कुछ ऐसी चीज दे जाए जो हैंडी हो तो उन्होंने क्या किया अपनी डॉटर्स को जो है एक पैरट दे दिया ग्रीन कलर का गोल्डन केज में। द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट्स and they spend an hour every day in teaching them to talk. अब जो सारी राजकुमारियां थी वो जो है अपने पैरट्स को लेके बहुत ज्यादा प्राउड फील करती थी और पूरे दिन में कम से कम एक घंटा जो है उसके साथ उसको बोलना सिखाती थी। Presently all the parrots could say God save the king and some of them could say pretty Polly in no less than 7 oriental languages. अब क्या हो गया था कि जितने भी पैरट्स थे वो जो है ये लाइन सीख गए थे बोलना गॉड सेव द किंग भगवान हमारे राजा को बचाए और कुछ ऐसे भी बोलने लग गए थे प्रिटी पॉली जो कि कम से कम 7 लैंग्वेजेस में ऐसा बोल पाते थे। बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सितंबर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरट शी फाउंड इट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज। पर एक दिन जब प्रिंसेस सितंबर जो है अपने पैरट को गुड मॉर्निंग करने के लिए उसके पास गई तो उन्होंने देखा कि वो गोल्डन केज में मरा पड़ा है। She burst into a flood of tears and nothing that her maids of honor could say comforted her. वो बहुत ज्यादा रोने लग गई और वो इतना रो रही थी कि चाहे उसकी जो मेड्स थी वो कितना भी उसको समझाए उसको नहीं फर्क पड़ रहा था और वो रोए जा रही थी। She cried so much that the maids of honor, not knowing what to do, told the queen. And the queen said it was tough and nonsense and the child had better to go bed without any supper. वो इतना रो रही थी कि जो maids of honor थी उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करा जाए तो उन्होंने जाके रानी को बता दिया। अब रानी ने कहा अरे ठीक है वो चीज ही थी बेकार की बात है और जो बच्चे हैं उनको ज्यादा अच्छा है सुला दो और उनको कुछ खाने की भी जरूरत नहीं है इस वक्त। The maids of honor wanted to go to a party. So they put the princess September to bed as quickly as they could and left her by herself. The maids of honor जो थी उनको पार्टी में जाने की जल्दी हो रही थी तो उन्होंने जल्दी से प्रिंसेस सितंबर को बेड पे सुलाया और फिर उसे वैसे ही छोड़ के वहां से चली गई। And while she lay in her bed crying still even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her room. अब जब वो बेड पर सो रही थी तब भी वो रो रही थी और रोते रोते उसे थोड़ी सी भूख भी लग रही थी तभी उसने देखा एक छोटी सी बर्ड जो है उसके कमरे में आ गई है। She wiped her tears and sat up.
उसने अपने आंसू पोंछे और उठकर बैठ गई। Then the little bird began to sing, and he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in still water. अब उस जो छोटी सी चिड़िया थी उसने गाना शुरू किया और वो इतना सुंदर गाना गा रही थी जैसे कि हमारा जो गार्डन है किंग का, उसके अंदर जो तालाब है उसके बारे में, जो विलो ट्रीज लगे हैं उनके बारे में, कि वो कैसे अपने आप को जो बिल्कुल रुका हुआ पानी है उसमें देखते हैं। एंड द गोल्डन फिश दैट ग्लाइडेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, और जिस तरह से जो गोल्ड फिश है वो उछलती अंदर और बाहर करती है जब ब्रांचेस जो हैं पानी के अंदर रिफ्लेक्ट करती हैं। व्हेन ही हैड फिनिश्ड द प्रिंसेस वाज नॉट क्राइंग एनीमोर एंड शी क्वाइट फॉरगॉट दैट शी हैड नो सपर। जब उसने अपना गाना बंद किया तब तक प्रिंसेस भी रोना भूल चुकी थी और अब वो पूरी तरह से भूल गई थी कि उसको इस वक्त उसने खाना भी नहीं खाया है। दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग शी सेड, ये तो बहुत सुंदर गाना था उसने कहा। द लिटिल बर्ड गेव हर हर बो, अब लिटिल बर्ड ने जो है थोड़ा सा झुक के उसको ऑनर किया। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट सेड द लिटिल बर्ड, क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारी पैरट की जगह तुम मेरी देखभाल करो, उस छोटी सी चिड़िया ने कहा। इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस, मैं जानती हूँ मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ देखने में पर मेरी आवाज बहुत अच्छी है। Princess September clapped her hands with delight and then the little bird hopped onto the end of her bed and sang her to sleep. अब Princess September इतनी खुश हो गई कि उसने ताली बजाई खुश होके, और जो little bird थी वो उसके बेड के पास आकर बैठ गई और फिर गाना गा के उसे सुला दिया। When she awoke next day, the little bird was still there and as she opened her eyes, she said, "Good morning." अब वो जब अगले दिन सो के उठी तो उसने देखा वो छोटी सी चिड़िया अभी भी वहीं बैठी हुई थी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने बोला गुड मॉर्निंग। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड एंड हैड हिज बाथ इन हर सॉसर। अब जब मेड्स ऑफ ऑनर जो है उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आई तो वो जो चिड़िया थी उसने उसके हाथ में से राइस खाई और साथ ही साथ जो उसका कप था या जो प्लेट थी उसमें उसने थोड़ा सा नहा भी लिया। ही बिगैन टू सिंग अगेन so beautifully that the maids of honor were quite surprised for they had never heard anything like it and Princess September was very proud and happy. ab jab us ladies jo bird thi usne dobara gana shuru kiya to wo itna khoobsurti se ga rahi thi ki jo maids of honor thi wo bhi bahut surprised ho gayi kyunki unhone aaj tak kabhi isse pehle aisa sundar gana suna hi nahi tha. ab Princess September jo hai wo apne aap pe bahut zyada proud aur khush feel kar rahi thi. Now I want to show you to my eight sisters, said the princess. उन्हें कहा, अब मैं चलो तुमको अपनी आठ बहनों को दिखाती हूँ। She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch, and the little bird flew down and sat on it. फिर उसने अपने सीधे हाथ की जो पहली उंगली है, उसको थोड़ा सा बाहर निकाला ताकि वो उसके लिए एक perch की तरह यानी branch की तरह act करेगी, और वो जो little bird है, वो उस पर उड़कर बैठ गए। Then followed by the maids of honor, she went through the palace and called on each of the princes. फिर अपने maids of honor के साथ जो है, वो palace में गई और उसने हर एक princess को बुलाया. And for each of them, the little bird sang a different song. और फिर जो little bird थी, उसने हर एक princess के लिए अलग-अलग गाना गाया. But the parrots could only say, "God save the king and pretty Polly." पर जो पैरट थे वो खाली बस यही दो लाइंस बोल पाते थे, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली। एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन, दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड। फिर फाइनली उसने जो है लिटिल बर्ड को किंग और क्वीन को दिखाया, वो भी जो है बहुत ज्यादा अचंभित और खुश हो गए। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, सेड द क्वीन, मैंने बहुत सही करा जो तुमको बेड पर भेज दिया बिना कुछ खाए पिए। क्वीन ने कहा, This bird sings much better than the parrots, said the king. अब राजा ने कहा कि ये बर्ड जो है वो तो पैरट से और भी ज्यादा अच्छा गाती है। I should have thought you got quite tired of hearing people say, God save the king, said the queen. अब जो रानी थी उन्होंने कहा कि मुझे लगता है आप भी अब थक गए होगे हर वक्त एक ही बात सुनते हुए, God save the king. I can't think why those girls wanted to teach their parrots to say it too. अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा
कि जो बाकी सारी प्रिंसेस हैं वो अपने पेरेंट्स को यही लाइन क्यों बोलना सिखा रही हैं? द सेंटीमेंट इज एडमायरेबल, सेड द किंग, एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट. उन्होंने कहा, ये जो वो लोग बोलते हैं ये मेरे को अच्छा लगता है और मुझे कभी बुरा नहीं लगता कि मैं कितनी बार भी उसी लाइन को सुनूं. बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रिटी पॉली. पर हाँ, मैं अजीब लगता है, मैं थक जाता हूँ एक ही बात सुनते सुनते प्रिटी पॉली जो पैरट्स बोलते हैं. दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेड द प्रिंसेस. पर वो 7 अलग अलग भाषा में बोलते हैं, प्रिंसेस ने कहा. आई डेयर दे से डू सो, सेड द किंग, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स. बट मैं मानता हूँ कि वो ऐसा कहते हैं, पर मुझे इससे जो है मेरे काउंसलर्स की याद आ जाती है. दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से. मेरे जो काउंसलर्स हैं वो भी अलग अलग तरीके से 7 तरीकों से मेरे से वो बातें बताते हैं और उनमें से किसी में भी कोई ऐसी बात नहीं होती है जो मतलब की हो.